हेलो। सारा हयात बोल रही हूँ। अरे सारा, कैसी हो सारा? बहुत अरसे बाद फोन किया। कैसे फोन ना करती भाई साहब? आप लोगों ने मजबूरी इतना कर दिया कि आखिरकार मुझे अपना हयात तोड़ना ही पड़ा। यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। चलो किसी भी बहाने से तुमने हमें याद तो किया। वैसे बड़ा ही घटिया बहाना तलाश किया भाई साहब। आपसे मुझे वैसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुम किस लहजे में बात कर रही हो बेटा? माफ कीजिएगा भाई साहब, ये लहजा अपनाने के लिए मुझे आपने ही मजबूर किया है। क्या रिश्तों की इतनी कमी पड़ गई है कि आपकी बेटी भी वही हरकतें कर रही है जो आपकी बीवी और साली आपकी शह पे किया करती थी? तुम हद से बढ़ रही हो सारा। होश में रह के बात करो। सच इतना ही बुरा लगता है भाई साहब? ये लगता है तुम इस वक्त होश में नहीं हो। मेरी बात कान खोल के सुन ले भाई साहब। शाफे को मेरे खिलाफ भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। शाफे सिर्फ मेरा बेटा और उस पे सिर्फ मेरा हक है। आई ये बात आपको समझ में? शाफे सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मुसलमान का खून है, हमारे खानदान का फर्ज। नहीं है वो आपके खानदान का फर्ज। सलमान मर चुका है और अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। चाहती क्या हो? शाफे ने जो शगुन के तौर पे अंगूठी आपकी बेटी के बहकावे में आके उसे पहनाई है ना, मुझे वो वापस चाहिए। अंगूठी की बात कर रही हो? वो तो आप वाकई इतने मासूम है कि आपको कुछ पता ही नहीं? या आपकी बेटी ने गवारा ही नहीं किया कि आपको ये बात बता दे? हाँ, अपनी मर्जी से अंगूठी भी पहन ली। इस पे नजर रखे, कहीं इस उम्र में आपके सर में राख ना उंडेल दे। इस तरह तो वो घर से भी भाग जाएगी। और ये बात मैं आपको बता दूं कि मेरे जीते जी इस घर में तो वो कभी नहीं आ सकती। ज़बान संभाल के बात करो सारा। अगर मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हद से बढ़ती चली जाओ। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने मेरी बेटी के लिए कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। तो आप ऐसा क्या कर लेंगे जो आपने पहले मेरे साथ नहीं किया? इस दफा क्या आप मेरे बेटे को बहकाएंगे? ना बहका ले, जो करना है आप कर ले। लेकिन आपकी बेटी कभी मेरी दहलीज पार नहीं कर पाई, इसलिए मेरे बेटे से दूर रहें, यही अच्छा। ठीक है, अभी जो तुमने कहा है अगर उसमें 1% भी सच हुआ तो मैं वादा करता हूं कि शाफे कभी मेरे घर में नहीं आएगा। और इस दफा आप अपना वादा पूरा करें, मैं इस बात का इंतजार करूंगी।